जी आदरणीय पंच कमेटी और इस मेला प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं से मैं तो हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन यही करूंगा, जिस प्रकार से जिकड़ी भजनों का आनंद लेते आ रहे बहुत अच्छी बात है, सभी गाने वाले बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन बंधुओं तुलसीदास जी ने एक दोहे में लिखा है भैया कैसे, तुलसिया संसार में धन बनता ना को राम नाम धन। बंधुओं अब अपने ध्यान को लगाएंगे कि मैं जो अपना प्रसंग छोड़ करके गया था, बंधुओं आज उस नन्हे से बच्चे बबरा बहन ने अपनी मां से वायदा कर दिया, कहा कि मां मैं अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को अवश्य जिंदा करवा सकता हूं। जब रानी चित्रांगदा ने ये शब्द सुने तो कहा कि बेटा सुन, एक रास्ता तो मैं तेरे लिए बता देती हूं, क्या तुझको पाताल लोक के अंदर जाना होगा। भैया मराठी के माध्यम से रानी चित्रांगदा रास्ता बता रही है, और कैसे बता रही है और क्या कह रही है सुनिएगा। बेटा तुझको पाताल लोक के अंदर जाना होगा,
क्योंकि वहां पर आपके नाना रहते हैं जिनका नाम है राजा बासिक। राजा बासिक के बेशक प्राण चले जाए तेरे, अरे बाप की खातिर मिट जाइयो और कलयुग मध्य कथा कविगा में जीवन बूटी ले। आहा सरदारो, आज अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के वो छोटा सा बच्चा बपरा बहन 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं देवो चाचा सामौली बारे, इनके लिए बार बार धन्यवाद। आहा मेरे बंधुओं, आज वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के पाताल लोक के अंदर पहुंच जाता है। आज जैसा हमारे इस गांव के अंदर ये दरबार लगा हुआ है, जिस प्रकार से समाज बैठी हुई है, इसी प्रकार से और राजा बासिक का दरबार लगा हुआ था मेरे बंधुओं। आज जैसे ही राजा बासिक ने अपनी सभा के अंदर उस मासूम बच्चे को देखा है, एकदम से चकित रह गए राजा बासिक कि ये बच्चा कहां से आया है, यहां का तो रहने वाला नहीं है। लेकिन सरदारो, आज राजा बासिक ने उस नन्हे से बच्चे बब्रा बहन को अपने पास में बुला लिया, अपने पास में बिठा लिया। लेकिन भैया अमित, क्या कहा और क्या पूछा? धन्यवाद भैया, क्या पूछा? ये अपना बदला नाम कौन सो धाम कहां ते आयो। राजा बासिक पूछ रहे बप्रवान से, बेटा तू कहां का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है? लेकिन बेटा कैसे पूछा है और क्या पूछा है? कैसे उड़ रहे हो सरे बदन को मिलायो। 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे चाचा जी, इनके लिए बार बार धन्यवाद। और ये 10 रुपए काना मेकर दे रहे भैया, छोटे से बच्चे, इनकी दीर्घायु के लिए कामना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चाचा जी गाने वाले बहुत अच्छी बातें बता रहे,
और भैया हमें तो दो लाइन हम भी सुनाएंगे, आज मौको मिल गो। रावण जैसो यो था जाने जरा मूड़ते दिया। अलग बात मिलेगी बाबा साहब, क्या क्यों आयो तू पाताल लोक में? राजा बासिक ने कहा है बब्रवान से, क्यों आयो तू पाताल लोक में? अरे बाण भुजन पे धर के वो पूछे बोलत नाए रोबे हिलकी। सो रोय रोय कुमार कहे नाना ते, सो रोय रोय कुमार कहे नाना ते, और बैठ सभा नागन के और अरमान बता रहे हो। आहा सरदारो, आज राजा बासिक ने पूछा है ना कि बेटा तू कौन है, कहां से आया है? तो बब्रा बहन ने जवाब दिया, ये तो मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा कि आपके पास में किस कार्य से आया हूं, किस काम से आया हूं, लेकिन सुनिए मेरा और आपका एक रिश्ता है, एक नाता है। बाबा साहब रिश्ता कौन सा बता रहा है, नाता कौन सा बता रहा है? बाबा प्रभान नाव हमारी।
आप रिश्ते में मेरे नाना लगते हैं। हरी सिंह ठाकुर साहब दे रहे हैं 31 रुपए का पुरस्कार, इनके लिए बार बार धन्यवाद। बंधुओं, बब्रा भान ने जवाब दिया के मैं लगू देवता तेरा और माँ पे पाप मर गयो। विधवा है गई है सुता तुम्हारी और सब विद डूबिए नाव हमारी। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं ना, मैं आपके पास में किस लिए आया हूं नाना जी? सुनिए सरपंच साहब, शब्दों की मार हुआ करती है। अब बब्रावान कह रहा है, अब मैं बताता हूं कि मैं किस कार्य से आया हूं। नाना जी सुनिए, सर जीवन मल दे दे नाना, ये सर जीवन मल दे दे नाना और बात हमारी रह जाएगी और नाग सुता विधवा भई माता आज सुहागिन है। मैं ये एहसान ना भूलूंगो नाना जी, मैं ये एहसान ना भूलूंगो और जा पाताल भवन के और अरमान बता रहे हो नाना जी। मेरे हाथों से मेरा पिता मारा गया है, मैंने अपनी माँ से वायदा किया है उनको जीवित करना है, मुझे थोड़ा सा अमृत दे दीजिए। सज्जनों, जब राजा वासिक ने उस नन्हे से बच्चे बब्रावान के ये शब्द सुने, उसके चेहरे की तरफ देखा, बब्रावान को थोड़ी सी दया आ जाती है। लेकिन भैया अमित, आज बब्रावान से राजा वासिक क्या जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दिया है सुनिएगा। राजा वासिक को दया आ गई, लेकिन क्या कहा भैया? ये आ गई दया कही वासिक ने, सर जीवन तू ले जइयो और मांग सभा में सब नहगन पे कारज करके दे। राजा वासिक ने कहा, आ गई दया कही वासिक ने, आ गई दया कही वासिक ने और सर जीवन तू ले जइयो और मांग सभा में सब नागन पे कारज करके। बेटा मैं तेरे लिए सर जीवन दे तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है चाचा जी? कि मेरी सभा के अंदर जितने भी नाग बैठे हुए हैं बेटा, आपको इनसे सबसे इजाजत लेनी पड़ेगी। आहा मेरे बंधुओं, जब नागों ने
राजा वासिक के ये शब्द सुने, सभी के सभी अपने दिल के अंदर दुखी हैं। सुन के नाग दुखी भय मन में, ये सुन के नाग दुखी भय मन में, ये सकल सभा में सोच गनो, और सर जीवन मन कवौनाए दंगे चाहे कैसे उन्नाते। नागों ने भी ऐलान कर दिया है, भैया इस बच्चे के लिए हम कदापि अमृत देंगे नहीं। क्या क्या पृथ्वी लोक पर रोजाना कोई ना कोई मरेगा, और सभी का यहाँ पर रिश्तेदारी का कनेक्शन है, किसी न किसी बहाने से यहाँ रास्ता हो जाएगा, हम किस किस के लिए अमृत देंगे। आहा मेरे बंधुओं, आज वो तक्षक नाग उस सभा के अंदर खड़ा हो गया और ढोला के माध्यम से ऐलान कर रहा है। लेकिन भैया क्या ऐलान कर रहा है? सलामती चाहता है, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो एक काम कर ले, यहां से जल्दी से निकल जा, यहां से जल्दी से भाग जा। बंधुओं, आज उस नन्हे से बच्चे बपरा बहन ने जब ये शब्द सुने, क्योंकि वो तो छत्री था, वीर था, उससे रहा नहीं गया और जवाब दिया। क्या सुनिए, आज मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ, मैं यहाँ से अमृत लेकर के जाऊंगा 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 जाऊंगा। किसी के माई के लाल में ये हिम्मत नहीं कि मुझे यहाँ से रोक सके, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरे बंधुओं देखिए, सरपंच साहब की तरफ मैंने देख लिया है, थोड़ा सा समझ गया हूँ। तुम कहे तो यही भजना चलन दो। हाँ जी, सुनिए बंधुओं, आज वो नन्ना सा बच्चा बपरा बहन धनुष बाण लेकर के उस सभा के अंदर खड़ा हो गया। नागों ने चारों तरफ से घेर लिया
लेकिन भैया अमित किस प्रकार से क्या हो रहा है उस सभा के अंदर, वो नन्ना सा बच्चा कर क्या रहा है? मौका मिला है थोड़ा सा, एकदम से एक बाण निकाला है, अपने तरकस के ऊपर चढ़ा लिया है उस नन्हे से बच्चे बबरा बहन ने। भैया चौक के माध्यम से वो छोटा सा बच्चा बबरा बहन अब नागों के साथ में कर क्या रहा है, कैसे किया और क्या किया है भैया? मारे
आज उस नन्हे से बच्चे बबरा वाहन ने उन सारे नागों का बिछैया कर दिया। आज जैसे ही राजा बासिक ने देखा, एकदम से बबरा वाहन ने अपने धनुष के ऊपर अग्नि बाण चढ़ा लिया। राजा बासिक को मालूम हो गया और बबरा वाहन के पास में पहुंच गया। कहा, बेटा ऐसा मत कर, मैं तेरे लिए अमृत दे रहा हूं। आहा मेरे बंधुओं, बबरा वाहन के लिए अमृत दे दिया, अमृत को ले जा करके अपनी माँ के लिए दे देता है, अर्जुन को जिंदा करवा दिया। लेकिन चाचा जी, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही विचित्र गाना लेकर के आया हूँ। हमारे गुरुदेव रोहतास पंडित जी हैं, ये कई साल से साउंड चला रहे हैं, शायद मुझे ज्ञात है आज तक इनके यूट्यूब पर भी वो गाना नहीं होगा, जहां तक मेरे को विश्वास है। और गाना भी रामायण में से, बाबा साहब पांचवी रामायण में से गाना सुना रहा हूं मैं आपके लिए। एक द्रविड़ देश के राजा थे, उनका नाम था महाराज सूरसेन, सूरसेन। और एक राजा थे काशी के, जिनका नाम था वासुदेव जी, वासुदेव जी। लेकिन सज्जनों, दोनों की आपस में बहुत गहरी मित्रता थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन होने वाली बात क्या, जो दोनों की रानी थी ना, गर्व से थी। दोनों एक दिन पास पास में बैठे हुए थे। राजा सूरसेन ने कहा, भैया वासुदेव एक काम कर ले, अगर तेरी रानी के लड़की हो जाए और मेरी रानी के लड़का हो जाए तो तेरी लड़की की शादी मेरे लड़के के लिए कर देना। अगर मेरी रानी के लड़की हो गई और तेरी रानी के लड़का हो गया तो मैं अपनी लड़की की शादी तेरे लड़के के लिए कर दूंगा। बाबा साहब दोनों सहमत हो गए, लेकिन ऊपर वाले की लीला तो कुछ और ही थी। दोनों की डोर भगवान से लगी हुई है। लेकिन भैया अमित, गाने के अंदर हो क्या रहा है सुनिएगा। से थैला भर करके सामने रख दिया और
पंडित जी से कहा, पंडित जी आपको एक छोटी सी झूठ बोलनी है, मैं आपके लिए इतना सारा धन दे रही हूं। अब पंडित ने तो तुम जान नहीं है, और कोई पंडित जी हो तो देखो बोरो मत मानियो, या बात मैं ना कह रहा। बंधुओं आज पंडित जी ने जैसा रानी ने कहा था वैसा ही किया, राजा के पास में पहुंच गए, कहा करे राजन आपकी रानी के लड़का हुआ है, लेकिन शर्त क्या है, 12 साल तक आप अपने लड़के का मुंह नहीं देख सकते। 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं अशोक भैया, आरा मशीन वाले, इनके लिए बार बार धन्यवाद। आहा मेरे बंधुओं, आज पंडित जी ने राजा से कहा कि महाराज आपका लड़का हुआ है, लेकिन शर्त क्या है कि आप 12 साल तक आप अपने लड़के का मुंह देख नहीं सकते। क्यों भैया? अगर आप अपने लड़के का मुंह देखेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी। सज्जनों 17-18 साल बीत गई, शादी के योग्य रह गई वो लड़की, पर वो तो लड़का हो बाबा। अब महाराज सूरसेन खबर पहुंचा रहे हैं वासुदेव जी के पास में, क्या भैया मेरा लड़का शादी के योग्य हो गया है, तू शादी की तैयारी कर ले। आहा सरदारो, अब देखिए जैसा राजा ने कहा वैसा ही हुआ। बारात सगाई हो गई, बारात आ गई, बारोटी हो गई, लेकिन जब भांबर पड़ने की तैयारी हुई ना, तो रानी एकदम से राजा के पास में पहुंच जाती है, चरणों को पकड़ लिया, कहा कि महाराज मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। जब राजा ने ये शब्द सुने तो कहा करे रानी आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब हमारे पास में एक ही रास्ता है, शाम का टाइम है, एक काम कर ले यहां से निकल चलते हैं कहीं बियाबान जंगल में जाकर के, तीनों प्राणी अपने प्राणों का त्यागन कर देंगे। तीनों प्राणी चलते हैं मेरे बंधुओं, लेकिन हुआ क्या है, 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हमारे रोहतास गुरुदेव, डीजे साउंड जनूथर से, जो के यूट्यूब और सभी प्रकार की कैसेट चलाते हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। 101 रुपए का पुरस्कार हमारे संत भगवान जी आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। बाबा साहब वो पैसे की त्याग जरूरत ना आए, वो तो आशीर्वाद की जरूरत है, बड़ी मुश्किल से जान बची। आहा सरदारो, अब तीनों प्राणी उस नगरी को छोड़ते हैं और बियाबान जंगल में पहुंचते हैं। भैया होता क्या है, आत्मत्याग करन दो चाले, आगे सुनो कहानी है, आत्मत्याग करन दो चाले, आगे सुनो कहानी है। तुलसीदास मिले जंगल में ऐसे बोले पानी है, तुलसीदास मिले जंगल में ऐसे बोले पानी है, ना कोई सेना संग तिहारे कहाँ को करी रवानी है, हाल बताए कि भय हिला सा मरने की जिन ठानी है, हाल बताए कि भय हिला सा मशीन वाले अशोक भैया दे रहे 10 रुपया, भैया बहुत बढ़िया, 30 रुपया 20 अब पहल दिए, 10 बजे कोई बात ना। 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे तारा पंडित जी, इनके लिए बार बार धन्यवाद। आहा मेरे बंधुओं, आज बियाबान जंगल में पहुंच गए, चलते चले जा रहे हैं, आगे से तुलसीदास जी आ जाते हैं। आज राजा ने प्रणाम किया, पैर छुए, कहा कि अरे राजन इस बियाबान जंगल में तीनों प्राणी
तू भी नंगे पैर, ना कोई रथ है, ना कोई हाथी है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई सेना है। ये कारण क्या है कि मैं कह के रे राजन, आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया है। लेकिन आप जैसे विद्वान बताते हैं बाबा साहब, के जागो राखे साईया मार सके ना को, और बाल न बाको कर सके चाहे जो जग बेरी। जिसका ऊपर वाला है उसका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। आहा सज्जनों, तुलसीदास जी ने कहा करे राजन, मेरे पास में एक उपाय है, शायद तेरा कार्य सिद्ध हो सकता है। आहा मेरे बंधुओं, अब देखिए तुलसीदास जी क्या काम कर रहे हैं। अंतिम कड़ी के अंदर या क्या हो रहा है, 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भैया राजवीर भौर जी, इनके लिए बार बार धन्यवाद। देश की सेवा कर रहे हैं और न्यूठिया पैसे में खूब दे रहे हैं संजाति। आहा सरदारों, अब देखिए अंतिम कड़ी के अंदर बाबा साहब तुलसी बाबा क्या काम कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा, सुता संग लेके मुनि पर प्रच्छ देखिए बड़का है। तुलसीदास जी उस लड़की को और राजा और रानी को एक बड़के पास पेड़ के पास में ले जाते हैं। लेकिन भैया हमें तो हो क्या रहा है सुन के नहीं। सुता संग लेके मुनि पर प्रच्छ देख एक बड़का है, राजकुमारी श्रोता बन गई मुन रामायण पढ़ता है। राजकुमारी श्रोता बन गई मुन रामायण पढ़ता है, 9 दिन तक ये पाठ चला 10 वे दिन हुआ तड़का है। 9 दिन तक ये पाठ चला 10वें दिन हुआ तड़का है, हवन कराए गंगा जल छिड़क्यो लड़की कर दई लड़का है, हवन कराए गंगा।